वही ये सनातन धर्म सिखाता है साहब कि गांधी को मार दिया गया और फिर से कोई साध्वी आती है फोटो लगा करके रंग भर के गोली चलाती है। गुजरात राज्य को हिंदू राज्य नहीं बना पाए, मोदी जी जिस जिले से हैं उस जिला को हिंदू जिला नहीं बना पाए, तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहां से हो सकती है। अगर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाने जा रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर इतने महंगे क्यों हैं बाबा, उस पे सवाल करें। रामदेव बाबा भी कहे थे हर एक हाथ को रोजगार चाहिए, पेट को रोटी चाहिए, समझे साहब। यही धर्म है, जो संघ भाजपा के बाबा भी हैं उनको रात को भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, ऐसा भी बागेश्वर धाम वाले बाबा के कहने पर। अगर वो पत्थर का देवता बोल जाए जो साहब हम वहीं पे ये निकाल करके धर रख देंगे। संघ भाजपा कमजोर होती है तब तब बाबाओं को आगे करती है, तो बागेश्वर धाम वाले बाबा समझे उनको बिहार भेजा जा रहा है क्योंकि वहां पे महागठबंधन बहुत मजबूत है और वहाँ पे दांत खोदने के लिए भी बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिलने जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, समझे साहब। इसलिए बाबा को भेज करके वो अपना वोट बैंक बनाया। लेकिन हाँ, बाबा को कहना है जी कि बाबा वहाँ जाके हिंदू मुस्लिम नहीं करना, नहीं तो हम बहुजन के लोग, हम बिहार के लोग खदेड़ देंगे। इसलिए कह रहे कि अभी अभी वहाँ पे जो बिहार शरीफ में जी दंगे हुए, सासाराम में जो दंगे हुए, उस दंगे में कौन किसके चेहरा आया है देखिए, जांच हुई, सरकार ने जांच किया, बीजेपी के विधायक का नाम आया खुल करके, FIR हुई है। अरे ये तो अपने धर्म को लेकर के हम प्रवचन करते हैं, कौन सा धर्म, कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं रे भाई बागेश्वर धाम वाले बाबा। सुन लीजिए, 2014 से पहले देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री कितने साल रहे हैं, 20 साल तक। भैया गुजरात को आप, गुजरात राज्य को हिंदू राज्य नहीं बना पाए, मोदी जी जिस जिले से हैं उस जिला को हिंदू जिला नहीं बना पाए, तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहां से हो सकती है। इन बाबा लोग मठ में ही अच्छे लगते हैं समझे, और जब जब चुनाव आता है तो ऐसे बाबा निकलते हैं, साध्वी निकलती है। और भी सुनिए, ये बाबा को का भविष्यवाणी मैं बताता हूँ, मैं पर्चा खोल रहे हैं उनका, क्या बाबा भविष्यवाणी करते हैं ना, पर्चा भरा देंगे आप। सुनिए सर, हम पर्चा भराते हैं ना, तो पर्चा मैं भरता हूँ उनका, हम उनका पैर छूने नहीं जाएंगे। हम जिस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में पहुंचेंगे ना, बाबा आएंगे। बाबा जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ उमड़ता है, कदम नहीं थम पाता है। मेरे भाई मैं भी चोला बदल लूं समझे, ये जो नेता वाला कपड़ा ना उतार करके बाबा वाला चोला पहन ले ना, और थोड़ा स्टाइलिश टोपी पहन ले, तो मेरे पीछे भी लोग हुजूम पर, आजकल तो ऐसे ही बाबा के पीछे हुजूम भाग ही रहे, अंधभक्ति अंधविश्वास। हाँ, संघ भाजपा के लोग जिस जो आईना दिखाना चाहते हैं बाबा के बारे में कहना चाहते हैं, सुनिए ये राम रहीम का क्या हुआ आपको बता दें, और भी साध्वी का क्या हुआ, तो उसी इतिहास के पन्नों में भी नहीं दिखेंगे ये बागेश्वर धाम वाले बाबा। अब बिहार जाएं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो, क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब, हिंदू राष्ट्र बनाए, मना कौन किया है। जब ये 10 सालों में नहीं बन पाया, और क्या कहते मोदी जी अपने गुजरात को 20 सालों में नहीं बना पाए, गुजरात राज्य को नहीं बना पाए, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार जाएंगे तो क्या कीजिएगा आप लोग। तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है कि अगर दो धर्मों में तोड़ की बात रहेगी तो उसके लिए तैयारी पूरी है, जिसमें कुछ युवकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सुन लीजिए, आतंक मचाने का टारगेट किया जा रहा है क्या, देखिए दो धर्मों में लड़ाई होगा उसे। देखिए वही बिहार है जिस बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी जी को का रथ रोका गया था। अगर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाने जा रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा, तो ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बाबा जाएं तो वहाँ बात करें क्या कि बिहार के 13 करोड़ आवाम में 62% युवा नौजवान बेरोजगार क्यों है। मोदी जी को कहें कि आदरणीय सम्माननीय मोदी साहब, इतनी महंगाई क्यों है, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर इतने महंगे क्यों है, बाबा उस पर सवाल करें। रामदेव बाबा भी कहे थे, रामदेव बाबा क्या कहे थे
कि काले धन आएंगे। अच्छा ये भाई यहीं का धन सब लूट गया, जेब का पॉकेट निकल गया, एटीएम का पैसा तो निकल गया। अपना धर्म को जगा रहे हैं, उनका कहना है कि सनातनियों को हम जगाएंगे। क्या आपत्ति है आप लोगों को? क्या ये देश क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में। अपना धर्म को वो जगा रहे हैं। कौन सी धर्म? सनातन धर्म को। एक ही धर्म है, मानव धर्म। हर एक हाथ को रोजगार चाहिए, पेट को रोटी चाहिए, समझे साहब? यही धर्म है। जो संघ भाजपा के बाबा भी हैं, उनको रात को भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, समझे? आवास चाहिए। मतलब सनातन को वो नहीं जगाएं? सनातन को जगाने से फायदा, अगर रोटी मिल जाए। मैं कह रहा हूँ जगेगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। कि देश के किसी मंदिर में चलिए, हम नास्तिक नहीं है, सूरज को जल जरूर देता हूँ मैं, लेकिन किसी भी पत्थर के देवता को जो पूछते हैं ना, चलिए आप वहाँ पे, अगर वहाँ पे हम दूध चढ़ाएंगे बाबा के कहने पे, घी चढ़ाएंगे, ऐसा भी बागेश्वर धाम वाले बाबा के कहने पे, अगर वो पत्थर का देवता बोल जाए तो साहब हम वहीं पे ये निकाल करके धर रख देंगे। अच्छा तो इसका मतलब भगवान नहीं है? भगवान होते मेरे पिता भगवान है जिसने जन्म दिया, मेरी माँ जो दर्द सह के मुझे जन्म दिया वो भगवान है, समझे? जो इस देश को, ब्रह्मांड को रोशनी प्रकाश देते हैं, सबको ऊर्जा देते हैं, वो है भगवान है, समझे? ये नहीं कि हम पत्थर पे माथा फोड़ते रहे, वो भगवान नहीं है। वो चाहे, सुन लीजिए, वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे क्या कहते गुरुद्वारा हो, चाहे और भी कोई जगह हो। मतलब सब बंद कर देना चाहिए? बंद करके सुनिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, बच्चे को पढ़ने के लिए, साहब यही देश है ना, हाँ? क्यों नहीं मोदी साहब करते हैं? एक राष्ट्र, एक पढ़ाई, एक पोशाक, एक किताब क्यों नहीं होती है? ये करो ना, बागेश्वर धाम वाले बाबा वहाँ बोले कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, कौन मना कर रहा है? बागेश्वर धाम को रोकने के लिए जो लोग आगे आए हैं उसको समर्थन में, उससे ज़्यादा लोग आगे आगे हैं बिहार में, कह रहे हैं कि आप जहाँ आना चाहते हैं वहाँ आइए, आपके लिए हम तैयार हैं। सुनिए, पूरा हिंदू संगठन एक हो गया है उनको, उनके लिए। हम चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन नकली हिंदुत्व नहीं, वो हिंदुत्व नहीं, ढोंग हिंदुत्व, जिस हिंदुत्व की बात होती है, इस संघ भाजपा वाली हिंदुत्व नहीं चाहिए। जो सनातन धर्म था उसका मैं समर्थक हूँ, लेकिन इस सनातन, नकली सनातन धर्म को अपनाने वाले, चलाने वाले लोग जरा भी, वही ये सनातन धर्म सिखाता है साहब कि गांधी को मार दिया गया और फिर से कोई साध्वी आती है, फोटो लगा करके रंग भर के गोली चलाती है, और उसको गंगोत्री का जल छिड़क करके और टिकट दे दिया जाता है, पार्लियामेंट पहुंच जाती है। कैसे रोकेंगे आप लोग? हिंदू संगठन तैयार हो गया उनका? अरे सर, हिंदू संगठन तैयार हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, बहुजन के लोग भी कमजोर नहीं है, और बहुजन के लोग भी, सुन लीजिए, बिखरे हुए नहीं है, सब लोग। उधर दिखेगा भगवा झंडा तो इधर दिखेगा नीला झंडा।